जब ख्वाहिशों का बोझ जेब पर भारी पड़ने लगे तब पढ़े लिखे युवा भी अपराध की शरण में आ जाते हैं। राजधानी पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में ऐसे ही 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया है जो बैग में 37 किलो गांजा शहर में खपाने ला रहे थे। इनमें से 2 इंजीनियर हैं, 1 कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। बस स्टैंड में चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपियों को देवेंद्र नगर थाने में रखा गया है। आरोपियों का कहना है कि वो इस बैग के विषय में कुछ नहीं जानते थे, किसी और ने उन्हें यह पार्सल रायपुर छोड़ने को कहा था। बस में हम लोग अभी कुछ नहीं करते सर, बस में आए थे, वहाँ पे दूसरे आदमी ने हम लोग को सामान दिया था और बोला था वहाँ पे रायपुर में छोड़ देने के लिए, और रायपुर से दूसरा बिलासपुर में जाके माल छोड़ देना था। बस नहीं, कि क्या सामान है आप लोगों को जो छोड़ना है? नहीं सर, हम लोग को खाली बैग देके छोड़ दिया था। सामान छोड़ने के लिए कुछ पैसे वैसे दिए थे? नहीं, हम लोग को अभी पैसा नहीं मिला था सर, अभी कोई भी पैसा भी नहीं मिला। क्या सामान बोल के गए? बोल रहे थे वो किसी और को दे, डॉक्यूमेंट्स है किसी और को दे देना वहाँ पे। आप लोगों ने सामान को एक बार खोल के भी देखा? नहीं सर, नहीं देखा, ताला लगा था। कितने पैसे का बोला था आपको? नहीं सर, वो कुछ भी ऐसा बात नहीं हुआ था हमारा। क्या पढ़ते हो, पढ़ाई क्या है? सर अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ जॉब के लिए। किस चीज़ में ग्रेजुएशन? सर मेरा बीटेक है सर। मुझको नहीं मालूम, कल पहली बार आया हूँ सर इसके बारे में। मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या था कैसा नहीं था, पर ये मालूम था कि मुझे जाना है, लेकिन आने के लिए बोला था बस। किसने बोला था? वही जिसको देना, जिन्होंने लेना था। किसने ले जाने के लिए आपको बोला था? क्या नाम है उस आदमी का जिसने? नहीं पता सर, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड सर। इंजीनियरिंग कर चुके हैं आप? कर रहा हूँ सर मैं भी सर। पैसे मतलब कि बोले थे तो कुछ पैसे देना चाहिए। क्या पैसे, कितने पैसे की बात है? कुछ ऐसी बात कुछ नहीं हुई देने के सर। क्या करते हैं? मैं वैसे ही पास आउट हुआ हूँ इस साल, जस्ट अभी क्लियर हुआ हूँ। और मैं नाम आकाश है। कहाँ से आपने? बिलासपुर। बिलासपुर से किया हुआ? और सर मुझे कुछ पैसे के बारे में पता था, पैसे देंगे और बैग को क्या बोलते हैं वहाँ बोला था कुछ सामान देंगे। बैग के बारे में हमें कुछ पता नहीं था कि बैग है क्या है वैसा है। अब फिर लोगों को जल्दी से बस में लोड करा दिया या बोले बस में जाओ? आप तीनों आपस में एक दूसरे को? अलग अलग थे हम लोग, वहाँ पे कुछ पता नहीं था। अभी सर वहाँ संपर्क ने बोला गया था कि वहाँ पे चौक पे एक लड़का मिलेगा ब्लू शर्ट का। किसने बोला? जिन्होंने सामान ये बोला था, क्या बोलते हैं दिन वाले नहीं पता सर, आदमी को हम नाम नहीं जानते सर। बिना नाम जाने बिना कुछ कि आप लोग बिलासपुर से रायपुर आ रहे हो, 3 उनका बैग लेके नहीं आए थे सर, क्या बोलते हैं उन्होंने लोड कराया था और लोग लोड उतारे भी नहीं, और लोगों को पता भी नहीं कैसे क्या वो खोला है और डैम ये निकला, हमें पता नहीं था, ये बात पे कंफर्मेशन नहीं था। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है, जिसके बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। कल दिनांक को वाहन चेकिंग के दौरान पंडरी बस स्टैंड में जगदलपुर से आ रही बस में चेकिंग करने पे 3 युवकों के पास से लगभग 36 किलो गांजा जब्त की गई है, और उसमें थाना देवेंद्र नगर में NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई कि इसमें जो राहुल पांडे और रवि पांडे जो कि मूलतः लखनऊ के हैं, जो काफ़ी दिनों से बिलासपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और जिसमें से कि उनका बड़ा भाई राहुल बी कर चुका है और रवि अभी बी फाइनल ईयर में, उनके साथ एक मनीष साहू करके व्यक्ति पकड़ा है जो कि मूलतः सूरतपुर सरगुजा का रहने वाला है, जो कि तीनों स्टूडेंट हैं और इन्होंने दूसरी बार गांजा तस्करी की थी। पहली बार तो उन लोग सफल हो गए थे, इस बार पुलिस की सजगता से इन लोग पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ थाना देवेंद्र नगर में NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्वीकार की गई कि हम लोग पूर्व में भी गांजा की एक खेप हम लोग इसकी सर्विस कर चुके हैं, हम लोग दूसरी बार हम लोग गांजा लेने गए थे और यही बात पुलिस को उन्होंने बताया था, और इसी आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और भी पूछताछ की जा रही, इन लोग ये नहीं बता पाए कि हमको जगदलपुर से कौन से व्यक्ति ने दिया, बस इतना जानते कि एक आके हमको दिया, हम उसको लेके आए। नारायण नारायण।